मार्केट कहाँ पे बैठा है, आईटी का ई कॉमर्स का मार्केट कहाँ पे है, सबसे बड़ा बाजार कहाँ पे बैठा है, भारत में पॉपुलेशन है, ये हमारा क्या है, बिग मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है। जो जय प्रोसेस यहाँ पे कमा रहा है, अंबानी वहां पे कमाना चाह रहे हैं, उनकी भी अनलिमिटेड ऐसी कंपनियां मार्केट में है, उसमें उनका कपड़े का व्यवहार है, जियो सब जानते हैं, नेटवर्क है जो मोबाइल का, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी अंबानी जी ने जो बिजनेस नहीं कर सकते, सब चीज का बिजनेस कर। दूसरा नाम आता है गोदरेज। गोदरेज का ताला सबको पता है, गोदरेज का फ्रिज सबको पता है, कपाट स्टील का, बिकॉज इज अ स्टील किंग, इज बीन नोन एज अ स्टील किंग। लेकिन आज गोदरेज क्या बेच रहे, घर भी बेच रहे, पहले ताला बेचा, फिर कपाट बेचा, फ्रिज बेचा, अभी आपको घर भी बेच रहे हैं। वो कोई चीज पे आ गए कि सब कुछ आप एक ब्रांड के नीचे अच्छी क्वालिटी का दे सकते हैं। दूसरा एक नाम आता है महिंद्रा। जो रास्ते में गाड़ी चला रहे थे, आज क्या कर रहे हैं, वो भी एस्टेट मतलब रियल एस्टेट में आ गए, वो भी आपको घर बनाने दे रहे हैं। इसका मतलब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं रुके हैं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग स्रोत से क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अगर ये बड़े बड़े लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से कमा रहे, गोदरेज भी है, हेयर कलर भी है उनका, उनका फ्रिज भी है, अभी घर भी बेच रहे। दूसरा एक नाम आता है विप्रो। आपने सुना है विप्रो नाम, क्या क्या करते हैं विप्रो, बहुत पुराना कंपनी, लेकिन आज क्या कर रहा है, वो भी रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया है। ऐसी क्या चीज है, विप्रो इज इन द आईटी बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस में है विप्रो, और किस चीज में, मद हनी शहद बेच रहा है। जो आईटी इंडस्ट्री वाला है वो शहद भी बेच रहा है, मतलब आप समझो कि खुद को एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं रखे और इनको फिर फर्क नहीं पड़ता, अगर एक बिजनेस स्टॉप हो गया तो दूसरा बिजनेस को रेगुलाइज कर रहा है। एक बहुत नजदीक के दिन में एक नाम बहुत ऊपर आ रहा है, राकेश झुंझुनवाला। सुना है आपने नाम राकेश झुंझुनवाला, एक कॉलेज है झुंझुनवाला कॉलेज घाटकोपर के पास, कॉमर्स का एक बहुत बड़ा कॉलेज है झुंझुनवाला कॉलेज। आज हम कह रहे हैं कि कोरोना में लोगों के नौकरी गई, बिजनेस गया, लेकिन 2021 दिसंबर से, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, चार महीने में इसने स्टार इंश्योरेंस का जो वर्ल्ड का जो भी शेयर है, तो उसमें से 14% वर्ल्ड का शेयर कितना होगा, कितना करोड़ों में होगा, उसमें से 14% झुंझुनवाला का बिजनेस बढ़ा है। कोरोना में हम कुछ नहीं किए, लेकिन ये आदमी 14% वर्ल्ड के बिजनेस लिस्ट का कितना हिस्सा है, 14% वर्ल्ड के इसमें। आज 13 मंजिली इमारत बंगला मलबार हिल में बना रहा है, 4 महीने। इट इज अ पावर ऑफ ई कॉमर्स, इट्स अ पावर ऑफ ई कॉमर्स, इट्स अ पावर ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको ये आज समझना है कि कोई भी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अभी ये जो झुंझुनवाला साहब मलबार हिल में 13 मंजिली इमारत बना रहे हैं, इनका स्रोत क्या हो सकता है, कितने बिजनेस इनके पास है, 37 बिजनेस, कितने बिजनेस है, 37। 4 महीने में 5 कंपनी में उन्होंने अपना बिजनेस सबसे ज्यादा बढ़ाया, और इतने सालों में जो उनका एक सपना था कि 13 मंजिली इमारत एट मलबार में, वो सपना अब हुआ, उम्र के 70 से। इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और अच्छा सा मार्केट भी चाहिए, मार्केट के अप डाउन से। अभी मुझे बोलिए, अगर हमको ये सब चीज करनी होगी तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितना करोड़ लगा सकते हैं अभी आप, कितना करोड़ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। एक सादी मक्खी रहती है तो कहाँ बैठती है,
गंदगी पे बैठ गए। अच्छा लगता है वो मक्खी आपको भगाते, चाहते नहीं है कि वो हमारे नजदीक भी आए, या तो क्या उसका संगत क्या रहता है, गलत है। लेकिन मधुमक्खी, रानी मक्खी हम कहते हैं, उसका संगत क्या रहता है, वो फूलों पे बैठे अच्छी चीज उठा के लाती है, अपने में वो सीमेंट लेती है, अपने बच्चों को देती है, अपने आजू बाजू में देती है, अपना जितना अच्छा कुछ कर सकती है उतना अच्छा करती है, शहद बनाती है और उस छत्ते पे एक अच्छी चीज दूसरे लोगों के लिए भी छोड़ देती है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो अच्छे से छोड़ देती है। मधुमक्खी का छत्ता, या तो मधुमक्खी सामने लाओ, उसकी भगाने की आप कोशिश करेगी, डर लगेगा मन में, हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, ताकत है। जो संगठन उसका है मधुमक्खी का छत्ता, तो वो संगठन जो है ना उसकी वो पावर है। और कोरोना में इस संगठन का हमने फायदा लिया, हमारा जो DXN का वाउचर आता था इस संगठन से ही आता था, जो बोनस आता था, जो हमने ये जो चीज करके रखे थे उसका हमने बोनस पूरा पाया है। शिंदे मैडम ने भी जो पहले से हमने करके रखा है, कोरोना में लोगों के जॉब्स चले गए, बिजनेस चले गए, लेकिन जो ये संगठन हम बनाए रखे थे 6/36/2016, ये जो संगठन बनाए रखे थे उसका पैसा हमने कोरोना में भी लिया, संगठन को उस जनसंख्या को उस पॉपुलेशन के पास से जो आता रहा वो हमको अनलिमिटेड आता रहा और आ भी रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप सिंगल हो, अकेले हो, तो इतना कमा सकते हो क्या? नहीं कमा सकते, एक दो हाथ नहीं कमा सकते। लेकिन अगर हमारे पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है तो हम कमा सकते, अपना चाहिए उतना पैसा कमा सकते हैं। DXN ने वो प्लेटफॉर्म हमें दिया है, आप कितना चाहते हो, आप कितना टाइम लगाओगे उतना आप उससे जरूर पाओगे। आपको इधर कैपिटल निवेश ज्यादा करने की जरूरत है क्या? नहीं, 20,000, 25,000, 30,000, 5,000 जितना चाहते हो उतने निवेश से आप DXN बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपके टाइम के अनुसार आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके साथ DXN कर सकते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप DXN कर सकते हो। और इसमें अनलिमिटेड आपके साथ लोग, जो आपका मधुमक्खी का छत्ता पूरा जो पॉपुलेशन या तो पूरा ये जो संगठन है वो उसके लिए काम करेगा और आपके लिए भी वो अल्टीमेटली काम हो सकता है। और सब ये सबने ये बोनस लिया है कोरोना में, देखा है हमने कोरोना में लोगों के घर पे पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे पास क्या था, हेल्थ भी था, वेल्थ भी था और हैप्पीनेस भी। कॉस्मेटिक से कंस्ट्रक्शन तक कोई भी ऐसा बिजनेस बताइए जहां पे महिला नहीं, ऐसा कोई बिजनेस है? कॉस्मेटिक में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी महिला है। मतलब आपका हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, जो भी बिजनेस है वो पायलट भी है, वो एक मोटर मैकेनिक भी है, वो एक इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, सभी चीज में आज महिलाएं हैं। एक ही चीज, अगर मैं पूछती हूँ आपको, आपके पास चने की दाल हाथ में दी जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके हाथ में चने की दाल दी जाए तो आप क्या करोगे? वो चने का दाल क्या क्या बना सकते हो? चने की दाल क्या बना सकते हैं? पायसम बनेगा, उसका जल्दी बनेगा, उसका सिवैया बनेगा, और क्या क्या बना सकते, पूरनपोड़ी बनेगा, पूरन बनेगा, और क्या बना सकते, कॉस्मेटिक बना सकते हो क्योंकि चने का आटा लगा रहता है, कॉस्मेटिक बराबर से, और क्या बना सकते? 29 पकवान तो मुझे पहचान है कि चने के आटे से बना सकते, चने के दाल से बना सकते। 29 पकवान जो मीठे हैं, खारे हैं, तीखे, सब कुछ है, 29 पकवान। आपकी जो सेहत है ना, ये चने की दाल की जैसे।
आपकी सेहत चने की दाल जैसी, आप जैसे उसका उपयोग करेंगे वैसे काम करेंगे। घर के लिए काम करना चाहते हो हेल्प चाहिए, बाहर के लिए काम करना चाहते हो हेल्प चाहिए, किसी से मिलना है रिजॉर्ट में जाना है, अगर हेल्प नहीं है तो रिजॉर्ट में भी पैसा घर पे होने के बावजूद रिजॉर्ट में नहीं जा सकते, पानी में तो जाओ घर से पैर भी बाहर नहीं डाल सकते। ये चमिया की बात समझ लो, क्लियर है? हेल्प आपको पहली चीज है, काया है तो सब कुछ है, और ये हेल्प पे ही मायना रखता है। अगर हेल्प देखा जाए तो हमको भी मल्टीपल चीजों की जरूरत है, और डीएक्सएम में हमको वो मल्टीपल चीजें माँ हेल्प के लिए भी है, चाय भी है, कॉफी भी है, आपका पेस्ट दिया है, सोप दिया है, ऑयल दिया है, फिर स्पिरुला दी है, ऐसा कोई चीज है जो डीएक्सएम में आपको नहीं दिया? अभी तो इतने रेंजेस आ रहे हैं, सिद्धि पेट में तो सुनने को आ रहा है 50 ये आ रहा है, 20 वो आ रहा है, 30 आ रहा है, आपके लिए क्या खुल रहा है? आपके लिए क्या खुल रहा है? क्या खुल रहा है? क्या खुल रहा है आपके लिए? आप चाय बेच के पैसा कमाना चाहते हो, चाय रिकमेंड करके पैसा कमाना चाहते हो, चाय खुद के लिए पी के पैसा कमाना चाहते हो, आपके पास चॉइसेस। जो भी प्रोडक्ट रेंज आ रहा है तो वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से आ रहा है, जो आप तक पहुंचने वाला है आपको हेल्प देगा, शेयर किया तो वेल्थ देगा, और अगर समाज में सब खुशहाल है, कोरोना ने बता दिया मैं अकेली खुश हूँ मेरे पास पैसा है तो मजा नहीं है, हमारे पूरे समाज को इकट्ठा रखे तो ज्यादा मजा एंजॉय कर सकते हैं। तो जो मल्टीपल सोर्स है डीएक्सएम ने दिया है तो उसका वापर कौन करेगा? कितने लोग करेंगे? कोई नए नहीं है ना, सब मेरे घर से ज्वाइन किए हुए पहले से एकदम मजबूत लोग है, आप नए हो लग रहे हैं? नया तो लग रहा है, आपके नॉर्मल लग रहा है। तो अभी हमको हमारा क्या विचार खोलना पड़ेगा कि अगर कंपनी इतना बढ़िया सा लेके आ रही है तो अभी काम किसका है? हमारा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सब जानते हैं, एक प्यार का प्रतीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेम रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर। वहां से लोग रिपेयर होके अच्छे होके बाहर निकलते हैं, एक सबूत मिलता है, लोग आपकी तरफ क्या नजर से देखते हैं, व्हाट आर यू रिप्रेजेंट, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? किसी को देखते हैं तो बोलते हैं अरे वो तो उसका तो लॉन्ड्री है, तो वो हम क्या देखते हैं? वो लॉन्ड्री वाला है। किसी को देखते हैं तो बोले डॉक्टर साहब है, उनको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? डॉक्टर साहब है, मतलब हमको वो अच्छा करके देंगे। किसी ब्यूटिशियन को देखते तो बोलते अरे शी इज अ ब्यूटिशियन, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो सुंदर बना के देंगे। कोई टीचर है तो गुरु के नजर से आप देखते हैं, अरे इसके बाद यहाँ अगर हम चले जाएंगे बच्चे भेजेंगे तो वो हमको शिक्षित करेंगे, संस्कारित करेंगे। तो एवरीवन इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग, आप एक कुछ तो रिप्रेजेंट करते हो, लोग आपकी तरफ एक नजर से देखते हैं। अगर इस मल्टीपल सोर्स में आप अपने को ढाल दो, जैसे मैडम ने बोला घर में कीमत नहीं होती, लगा दो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप खुद की कीमत बढ़ाने कौन रिस्पॉन्सिबल है? खुद के हम कौन रिस्पॉन्सिबल? दूसरे से अपेक्षा मत करो, दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब आप आपके लिए कुछ करोगे तो भी दूसरा आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, अगर बॉडी रिस्पॉन्स नहीं किया तो आपका दवाई रिस्पॉन्स करेगा क्या? ऐसे ही है जिंदगी औरत की, वैसे ही है। इफ यू हैव अ ड्रीम्स, इफ यू वांट टू, ये भी ब्लिंक किया, हाँ बोली, अगर आपके सपने हैं तो आपको उस सपने की जवाबदारी लेनी पड़ेगी। अगर मुझे अच्छी सेहत चाहिए, अच्छे बच्चे की पढ़ाई चाहिए, एक घर चाहिए, अच्छे गहने चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बड़ा बंगला बनाना है, जो भी आपका सपना है उसके आगे ध्यान लगा देना है।
करेंगे हम क्या? पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि हम इधर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं जाया जाएगा। आपको सारथी की जरूरत पड़ेगी। जब हम जन्म लेते तब भी माँ अपनी साथी रहते, पिताजी अपने साथी रहते, फिर गुरु अपने साथी रहते। वैसे भी कोई भी बिजनेस है, जीवन में भी अप डाउन है, वैसे ही धंधे में भी, व्यवसाय में भी अप डाउन है। अगर इधर आपको सारथी मिल जाए तो जीवन सार्थक है। तो जीवन क्या हो गया? सार्थक हो गया। लेकिन इधर का सारथी कौन ढूंढेगा? कहाँ से ढूंढोगे? जो बाहर गहने बेच रहा है वो डीएक्शन कर सकता है क्या? जो डीएक्शन कर रहा है वो आपको बोलेगा डीएक्शन कैसे करना है, डीएक्शन में क्या मजबूती है, डीएक्शन किस हिसाब से अच्छा है, आपको किधर तक ले जा सकता है, वो कौन बोल सकता है आपको? डीएक्शन करने वाला आपका लीडर जो ऑफलाइन है, जो भी लीडर्स यहाँ पे बात करने आते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड मीटिंग चलती रहती है, वहाँ पे आपको ये एजुकेशन बराबर से मिलते रहेगा। वो प्लेटफॉर्म में समझ में आएगा कि ये आदमी इस मकाम से इस मकाम तक कैसे पहुँचा है, तो मुझे भी वो इस मकाम से उस मकाम तक पहुँचा सकता है, क्योंकि उधर का रास्ता उसने देखा है, तो वो आपको उस रास्ते तक लेके जा सकता है, आराम से लेके जा सकता है। चेंज नहीं करेगा तो आज से पकवान बनाना शुरू कर देंगे। yes. कितने पकवान बनाएंगे? कितने पकवान बनाओगे? अजय देवगन और काजल कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। एक ही धंधे पे अड़े हैं क्या? सिर्फ हीरो हीरोइन है? दूसरे बिजनेस में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को सब जानते हैं, बराबर है? आदमी एकदम विरोध में चमक रहा है, बहुत सारे पिक्चर्स किए, लेकिन उनकी घर की औरत चुपचाप बैठी है क्या? वो तो करोड़ों कमा रहा है अक्षय कुमार, औरत उसकी चुपचाप घर पे बैठी है क्या? नहीं, डिजाइनर है। क्या है? डिजाइनर है। और क्या बिजनेस है उसका? हस्बैंड तो हीरो की माफिक काम कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस मतलब फिल्म प्रोड्यूस करती है। चुपचाप बैठी है? नहीं बैठी। और एक नाम लेना चाहती हूँ, सैफ अली खान और करीना, दोनों भी हीरो हीरोइन मजदूर थे, उनका नाम पे भी पतोड़ी नाम है। तुम चुपचाप बैठे है क्या? नहीं। इसका धंधा है मालूम है आपका? एक ब्रांड है, सुना है ये ब्रांड? वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, ग्लोबस, कपड़े का ब्रांड है, शायद मैडम को पता होगा, कपड़े का ब्रांड है। इस ब्रांड में वो क्या बेचते हैं? तो क्या बेचते हैं? करीना और सैफ अली खान क्या बेचते हैं? क्या बेचते हैं? शर्म लगता है उनको? शान से हमको शर्म लगता है कि अरे कपड़ा बेचता है मेरा, मैं कपड़ा बेच रही हूँ, शर्म लगता है ना? जो इतने बड़े हीरो हीरोइन है वो क्या बेच रहे हैं? और वो भी बड़े ब्रांड शान से कहते हैं, और शान से कमाते भी है। और एक नाम लेना चाहते, विराट कोहली नाम सुना है? किस चीज के लिए फेमस है? कितना कमाता हूँ? करोड़ों। और कुछ करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत। ये नाम जानते हो? अनुष्का शर्मा जी हीरोइन है, कितना कमाया होगा? और कुछ करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। किसने पैसा लगाया उन्होंने? मैं आपसे जानना अभी पढ़ाई। घर में टीवी नहीं है, मैं भी टीवी नहीं देखती, मेरे घर में 32 इंच टीवी है, लेकिन मैं जो चाहती हूँ वही लगा के उसको देखती हूँ, बाकी कुछ नहीं। क्या कमाते हैं? सिर्फ ये क्रिकेटर नहीं है और ये हीरोइन नहीं है, दादा ये इन्वेस्टर है और ये एम्बेसडर भी है। किस चीज के मैं जानना चाहती हूँ? वन ऑफ दैट, बट जायंट थिंग नहीं, उससे भी ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा है और एम्बेसडर है उस चीज के। हम शर्माते हैं ना, चाय किसी को दे देगा, हिचकिचाते मन में, भी चाह बिकती थे, मैं कॉफी बेच रही हूँ, कैसे लगता है ना? शर्म नहीं आती इनको, क्या बेच रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। आज गूगल
गूगल पे, गूगल बाबा को ऑन करके देख लेना, बेच बेच मीट मतलब नहीं, ये गलत चीज, वो गलत चीज दिमाग से डाल दो। वेजिटेरियन मीट मतलब जिसमें प्रोटीन कैल्शियम कंटेंट है, ये एक बड़ा मार्केट है जो डॉक्टर लिन ने 30 साल पहले लगा के रखा है। तो वेज बेस मीट इसमें इन्वेस्ट लागत निवेश बना के रखे और इसके एम्बेसिडर भी है। और कौन है इस मार्केट में? आज तो पढ़ाई एकदम जोरदार हो गई, पढ़ाई पहले बताओ मीटिंग में ही नहीं आती थी। वेज बेस मीट में और एक बड़ा नाम, सॉरी अमिताभ बच्चन, एक ऐसा जायंट नेम कि जो हीरो हीरोइन है, लेकिन वेज बेस मीट में मतलब जो वनस्पति जन्य प्रोटीन कैल्शियम विटामिन खींचते है, लेकिन थोड़े मायने में, और वो हीरो हीरोइन नहीं। आई वॉन्ट हीरोइन, काम करने की जरूरत है सौरभ नहीं। रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट है और ये वेज बेस मीट की वर्ल्ड वाइड खुद का क्या है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ। आप अपना ढक्कन खोल दो, एक चीज पे बंधे हुए नहीं है। जो भी ट्रेंड में आ जाता है ये उससे, उस सोर्स से, उस स्रोत से कमाने की इच्छा रखते हैं। ये जो वेज सोर्स है, वेज सोर्स डॉक्टर लिन ने 30 साल पहले निकाला है, कैनोडर्मा है। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है? कोई भी चीज नहीं है। हर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको डालना है, आपका कैपिटल डालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं, मार्केट रिसर्च नहीं, मार्केट चैलेंज नहीं, कुछ नहीं है। आसान है अभी? yes. एक हॉलीवुड का कपल है जो 35 साल 35 ईयर्स हीरोइन रहे थे हॉलीवुड, मतलब कितना कमाया होगा। और वो औरत फिल्म इंडस्ट्री में भी, मतलब जिसका खुद का प्रोडक्शन है उसमें भी अपना अच्छे से बिजनेस, 35 साल का जो बिजनेस है, समझ में आ रहा है? मैं कुछ अलग नहीं बोल रही हूँ, आपके जीवन की ही बात बोल रही हूँ। 35 साल का अपना बिजनेस को लेके अगर वेज बेस मीट और बच्चों के चिल्ड्रन बुक्स और टेलीविजन जैसे बिजनेस में आ गए तो हमको क्या करना है? हमको भी अपना बिजनेस रिवाइज करना पड़ेगा। 35 साल का हॉलीवुड का सक्सेसफुल हीरो हीरोइन और जो प्रोड्यूसर है, अगर वो वेज में, चिल्ड्रन बुक में, यानी एजुकेशन सिस्टम पे या तो टेलीविजन पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन में भी वो आ रहे हैं और खान पान की चीज में भी आ रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा किधर है? अन्न वस्त्र निवारण, अन्न पहला, वस्त्र बाद में, क्लोथिंग और निवारा किसी ने नहीं छोड़ा, ना गोदरेज ने छोड़ा, ना महिंद्रा ने छोड़ा, ना टाटा जी ने छोड़ा, किसी ने भी एस्टेट एजेंसी नहीं छोड़ी। तो हमको क्या करना चाहिए? अपना भी बिजनेस बढ़ाना चाहिए, हमारा भी सोर्सेस बढ़ाना चाहिए, एक ही स्रोत से पैसा नहीं लेना चाहिए। तो गांव में भीड़ रहती, क्या बोलते हैं बावड़ी, बावड़ी, अगर उसमें एक ही झरना होगा तो वो कुआं भरेगा क्या? आपने देखा है बावड़ी, उसको चार ही बाजू में आपको उसके झरने दिखाई देंगे तो वो पानी फास्ट ऊपर जाएगा। जिंदगी भी वैसे ही है, आपको आपके स्रोत जो रिसोर्सेज है आपको वो समझ लें कि मैं इससे कितना कमा सकता हूँ। कोई चाय में एक्सपर्ट रहेगा, कोई टूथपेस्ट में एक्सपर्ट रहेगा, कोई कॉस्मेटिक में एक्सपर्ट रहेगा, या कोई किस चीज में एक्सपर्ट रहेगा, अपनी एक्सपर्टीज
जिसमें प्रोफेशनल ज्यादा हो वो प्रोफेशनलिज्म में आप मजबूत हो जाओ। जेफ बेजोस जो आज कमा रहा है अमेजॉन से, वो अमेजॉन उसका 26वां सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन उसका 27वां सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जेफ बेजोस का 27वां सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये जो रिचेस्ट मैन है जो 26 इनकम ले रहा है, 26 तरह के इनकम ले रहा है, आज 27वां इनकम भी डाला है। इसने 7 स्टार मतलब सबसे ज्यादा आईटी, मशीन लर्निंग, आपके लिए शायद ये नेम अलग रहेंगे, या तो नवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या तो मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सब चीज में 7 स्टार प्रॉपर्टी में वो एजुकेशन सिस्टम डाल रहा है। मतलब हम चाहेंगे कितना भी डोनेशन डाल के उसके कंपनी में, उसके एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को भिजवाए। अभी इधर इसका 2 तरह का फायदा हो रहा है, ये जो आज मीटिंग लगाए ना, इसका 2 तरह का फायदा है। इसका फायदा देखिए, अगर ये 27वां इनकम स्रोत है इसका एजुकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT, मशीन लर्निंग या डाटा साइंस, इसमें से जो भी इंजीनियर निकलेंगे, बड़े बड़े लोग निकलेंगे, इसके लिए वो काम करेंगे। अगर इसके लिए काम नहीं किए, उस अपोजिट डायरेक्शन में भी गए, लेकिन क्या करेंगे, ब्रांड तो इसका ही निकलेंगे। कहां से पढ़ाई किया? DXN मीटिंग में गया था तो मैं पूरा ढक्कन खोल के आ गया, बराबर है। तो इसका जो 27 सोर्स है उसमें उसने ड्यूअल काम किया है, खुद के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आदमियों का तांपा से तांपा वो बढ़ा रहा है, और उसके साथ अगर कोई रहा नहीं फिर भी वो निकला किधर से है? जेफ बेजोस से, अमेजॉन से ही निकला है। वो क्या रहेगा? ब्रांड रहेगा। आप किधर भी चले जाओ लोग पूछेंगे, अरे चाय पीते हो, अलग से चले। जब अलग वाली चाय सामने आती है और आपने एक संग वाली चाय पी है तो पहले चीज क्या होगी? हमारा क्वालिटी से हम उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे। हमको याद आएगी, अरे मेरा 2-in-1 कॉफी बाजार है, मेरा 2-in-1 कॉफी। मैं जब भी बड़े बड़े ब्रांड्स की चाय कॉफी पीती हूँ तो मन में क्या रहता है? एक ही ब्रांड रहता है, वो क्या रहता है? एक क्योंकि जब क्वालिटी उधर मिली रहती है, आप किधर भी जाओ, भटक जाओ, किधर भी जाओ, वापिस किधर आओगे? वही ब्रांड पे आओगे जिसका क्वालिटी आपने बेहतर मतलब 7 स्टार क्वालिटी बना के रखते हो, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पे, वो एजुकेशन पे, वो क्वालिटी पे बरकरार रहते हैं। मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? कुछ अलग बोल रही हो? नहीं। और एक चीज बोलना चाहती हूँ कि बाजार में जाना अच्छा लगता है कि बाजू के एक छोटे दुकान में जाना चाहिए? सब क्वालिटी, छोटे शॉप में जाना अच्छा लगता है कि मॉल में जाना भाई? मॉल वो कितना आनंद, आई वॉन्टेड दैट रिस्पॉन्स जो उन्होंने दिया था, खुशी है ना मॉल में? क्यों? पहले तो हम विंडो शॉपिंग करके देखते हैं कौन सी चीज अच्छी है, मेरे को परवट किए इससे मुझे क्या फायदा हो गया, पहले देखते हैं। मॉल में वो जो बाजार बिठा के रखते हैं वो मल्टीपल सोर्स है, समझो। उधर बहुत सारे दुकान रहते हैं अच्छे से चलते हैं, उसको वहां पे एक दुकान नहीं भी चल रहा रहता है, लेकिन खुद के स्टेटस के लिए उधर वो दुकान लगा के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उधर दुकान है यानी अपना स्टेटस बनाए रखते हैं। आपका प्रेजेंस, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। किसी के घर पे भी जाते हैं तो कोई भी बोल देता है, अरे डीएक्सएन वाली आ गई, बोलते हैं ना, पूरा मत मानो, उन्होंने आपका रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया है, आपका ब्रांड एक्सेप्ट किया है कि आप कोई अच्छी हेल्थ और वेल्थ वाली चीज उनको दे रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस आप एक्सेप्ट करो। उन्हें तो एक्सेप्ट किया कि आप डीएक्सएन कर रहे हो, क्या आपने एक्सेप्ट किया कि मैं डीएक्सएन कर रही हूँ? मेरे ऊपर जो ताज लगा है, जो सिंह लगे है, वो डीएक्सएन के लगे और हमेशा लगे रहेंगे।
और रहने भी चाहिए, छोड़ने नहीं है। जो 30 साल पहले डॉक्टर लीन ने देखा है, आज क्या वो वेज मीट और वो क्या कर रहे हैं, हमारे हीरो हीरोइन भी बेच रहे हैं। तो हम भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, वो इन्वेस्टर है, वो एम्बेसडर है, या हम एम्बेसडर बन सकते हैं, वो चीज हम खा सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, बुरा नहीं लगेगा। अभी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स अगर क्लियर है आपको, जो हिचकिच मुझमें भी थी, फिर स्क्रीनर कैसे जाके बोलूं, जो मैंने देखा कि अनुष्का शर्मा अगर विराट कोहली और ये अजय देवगन, अक्षय कुमार, ट्विंकल कपाड़िया एंड ऑल दिस पीपल, दे कैन डू इट, दे कैन बी द इन्वेस्टर, दे कैन बी द एम्बेसडर, व्हाई नॉट आई बी, मैं भी बन सकती हूँ। अगर मेरा विचार क्लियर है तो मैं भी कमाना चाहती हूँ। ये किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये निवेश इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा कमा सके, अपना क्या स्टेटस, इनकम का सोर्स चलता रहे। और उनको क्या चाहिए, अपना स्टेटस चाहिए, सम्मान चाहिए, हमेशा वो सम्मान के लिए भूखे रहते हैं। आज प्रियंका चोपड़ा इंडियन फूड अगर लंदन और न्यूयॉर्क में भेज सकती है, तो हम हमारे देश में अच्छी चीज भेज सकते हैं, दे सकते हैं। अगर वो शान से कर सकते हैं तो हम भी शान से कर सकते हैं, करना चाहते हैं। क्लियर है? अभी डर लगेगा किसी के पास, चाय में डीएक्सएल वाली पीती हूँ शाम से, नहीं बोलेंगे। और किसी के पास भी जाएंगे तो बोलेंगे कि मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करती हूँ, बेवरेजेस भी है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, मेरे पास कॉस्मेटिक है, मेरे पास सब कुछ है। क्या आपका सपना है कि नहीं, आपका इच्छा है कि नहीं, वो आप पे निर्भर है। मेरे पास सब सोर्सेज है, आपके पास आपको ये लेने की इच्छा है कि नहीं, वो उस आदमी की इच्छा रहेगी। और मैं जानती हूँ आदमी से ज्यादा औरत के सपने कैसे होते हैं, ज्यादा रहते हैं, कमती रहते हैं क्या, ज्यादा रहते हैं ना, इतने ज्यादा रहते हैं। अगर हस्बैंड नहीं ले पा रहे या तो नहीं लेना चाहते, तो वो चावल के डब्बे में, तुअर के दाल में एक एक रुपया ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा, 1 लाख का, 2 लाख का, 1 करोड़ कब होगा बताना नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा रहती है मेरे बच्चे को इस कॉलेज में पढ़ाना है या नहीं, मैं पढ़ाऊंगी। अगर उसको इंजीनियर बनाना है तो मैं इंजीनियर बनाऊंगी। इसके लिए वो एक 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 जोड़ने का जो काम है, तो उसमें हम थोड़ा अच्छा सा भराव ला सकते हैं, क्योंकि जो स्रोत हमको मिला है, सोर्सेज हमको मिला है, मेरे ख्याल से वो भले होंगे, लेकिन हम उसका कैसे उपयोग करते, कैसे वापर करते, वो अपने पर निर्भर रहेगा। हमेशा एक याद रखती है, एक जो औरत सपना लेती है तो वो पूरा करती है, लेकिन उसके लिए उसको एजुकेशन की जरूरत है। तो जब भी कभी एक मीटिंग लगी हुई है, यहाँ भी लगी है, इधर भी लगी है, तो वो मीटिंग को जरूर जाए। वो व्यक्ति शायद आपको भर भर टोकरी भर के नहीं देगा, लेकिन एक भी ऐसा सपना आपका जागृत कर देगा कि आपको जीने का, एक करने का जो हौसला है वो मिल जाएगा। मेरे पास एक महिला आई थी जिसका एक सिंपल सपना था कि ब्लड डोनेट करना, बहुत सिंपल सपना है ब्लड डोनेट करना। शिवाजी पार्क में खुद का घर है, उसके पति का, शोहर का, हस्बैंड का एक अच्छा सा व्यवसाय है, लड़का अभी बाहर देश प्रदेश में पढ़ने जाने वाला है, बड़ी लड़की है, लेकिन उसका सपना था कि मैं किसी को एक बॉटल खून दूं। हमेशा मैंने डॉक्टर से खून लिया है, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन कितना रहता था, 7, 7.5, 8, तो उसको क्या करना पड़ता था, खून लेना पड़ता था। तो एक सपना था उस अमीर औरत का कि मैं एक बॉटल खून, और वो सपना कितना सिंपल सपना है। हम तो कहते हैं कि बड़ा घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, की वजह से आज इसका हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड डोनेट कर सकती है। सपना डीएक्सएल, कौन से सपने हैं आप, मतलब छोटे से छोटे भी है, बड़े से बड़े, उसके लिए ये बड़ा सपना था, याद रखो उसके लिए ये बहुत बड़ा सपना था कि आज तक मेरे हाथ क्या थे, लेने वाले थे, मैं ब्लड लेके आई, लेकिन आज मैं क्या कर पाई, डोनेट कर पाई, के
लेबर पेन की वजह से सिंपल है, क्योंकि उन्होंने सब्जियां खाई, फल खाए, सब कुछ किया, लेकिन 10-10:30 तक बढ़ता था और उधर डोनेट नहीं कर पाते, लेकिन जब इधर गए तो वो अपना सपना पूरा कर पाए। सिंपल है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? एजुकेशन सिस्टम में जाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है, औरत अबला नहीं है सबला है, उसको सिर्फ एजुकेट करो, सम्मान दो और छोड़ दो, वो अपना रास्ता खुद निकालेगी। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? आपको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा और अपने हाल पे उसको, अपने विचार पे, अपने सपने पे उसको छोड़ देना पड़ेगा, अपना रास्ता वो अपने से खुद से निकाल लेगा। अभी मुझे बोलिए, जो आज बेफ सर थे रिचेस्ट मिलियनियर्स है, उन्होंने कितना निवेश किया होगा? क्या करोड़ों रुपए लगाए हैं? जो आज बिहार की, मेरी यूपी की, और जो बहुत सारी महिलाएं हैं, जो एजुकेटेड भी है, अनएजुकेटेड भी है, पैसे से कम है, तो वो इतना इन्वेस्ट कर पाई, इतने करोड़ों लागत लगा पाई? नहीं। जो ये आज हीरो हीरोइन ने करोड़ों की लागत लगाई है, वैसे लागत लगाई उन्होंने तो नहीं लगाई। वो एक सिंपल निवेश करके आज बीएसएन में क्या बनी है? मिलियनियर बनी है, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो पैसे छोड़ के जा रही है। आपके सपने पूरे करने के लिए, आपको खुशहाल जिंदगी देने के लिए आपके पिताजी ने कितने साल लगाए? 30 साल। उनके पिताजी ने 30 साल, उनके पिताजी ने 30 साल, मतलब आपके पिताजी ने, उनके पिताजी ने, हमें दादाजी ने, पर दादाजी ने पूरे सपने कितने कितने साल लगाए हैं? कितने साल लगाए? कितने मिला के होंगे? 90 साल। 90 किलोमीटर में, 90 किलोमीटर ऐसी कुछ चीज पर दादाजी, दादाजी या पिताजी ने बना के रखी है कि आपका नाम उधर रहे, आपको लोग पहचानेंगे, ऐसी कुछ चीज बना के रखी है। 90 किलोमीटर, 9 किलोमीटर में कि लोग आपको पहचाने, इस वजह से कि इन्होंने कुछ तो खुद के लिए और समाज के लिए बना के रखा है। 90 सालों में 9 किलोमीटर में आपको कोई पहचानता है? 9 किलोमीटर ऐसा कुछ बना के रखा है आपका जीवन संवारने के लिए, आपकी भविष्य संवारने के लिए 9 किलोमीटर में कोई पहचानता है? एक संघ ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, ग्लोबल कितनी दी है, कहाँ दी है आपको? पूरे वर्ल्ड में लोग पहचाने, इसलिए आपको एक संघ। शायद इन्होंने आपका जीवन सुधारने के लिए थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होगा, लेकिन जब आप बीएक्सएन के साथ जुड़ते हो तो मैं चीज बोलूं, आपके आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ी के लिए, आप केवल 9 किलोमीटर, 90 किलोमीटर नहीं, तो पूरा ग्लोब में आपका नाम छोड़ के जा सकते हो। आपके बच्चों के लिए आप एक ऐसा सिस्टम छोड़ के जा सकते हो, एक ऐसा सपना सजो के जा सकते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें। चाहते हो ऐसे? Yes. कि आपके बच्चे के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं? नहीं, नहीं। क्योंकि आपका जब पोता पोती देखेगा कि आप आपके बच्चे के सामने हाथ फैला रहे हो, तो वो बच्चा आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऊपर से अगर वो देखेगा कि दादाजी दादी जी मेरे पिताजी को दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, तो उसको वो शान लगेगा, उसके ऊपर वो संस्कार घड़ेंगे कि मैं दे सकता हूँ। आगे जाके वो भी वही करेगा, लेने के बदले वो क्या करेगा? लेना सीखेगा। और बीएक्सएन ने हमको क्या सिखाया है? देना। पूरा ग्लोबल हम दे सकते हैं, पूरा जग भर में हम अच्छी चीज दे सकते हैं। देना चाहते हो आप? Yes. कौन क्या क्या चीज दोगे? बेवरेजेस, पर्सनल केयर, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम भी है, क्योंकि अगर सिस्टम है, एजुकेशन है, तो ही आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। मुट्ठी भी कैसी होती है? ऐसी होती है कि ऐसी होती है? सबको बांध के रखती है ना, सबको बांध के रखती है। तो मुट्ठी के जैसे एकजुट, एक संघ हुए, जब हम चलते हैं
और अच्छे से स्रोत से लेना शुरू करते हैं तो हमारा नाम भी वो इतिहास में दर्ज हो जाता है, इतिहास में भी, समाज में भी, और हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में भी वो दर्ज होगा। और VXL ने वो प्लेटफॉर्म हमें अच्छे से दिया है। हमको वहाँ सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपना सपना देखना है, अपना एजुकेशन देखना है और उसके ऊपर अपना काम करना है। और VXL आपके लिए सब कुछ कर रही है। आपका पैसा 10 तारीख को आता है वाउचर, ऐसा कभी हुआ है कि 11, 12, 13, 15 को गया कि पैसा अटक गया एयर में, क्योंकि ऑनलाइन आता है तो हवा में अटक गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं तो तपन भाई को फोन शुरू हो रही, मेरा वो पैसा क्लियर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, शुरू हो जाता है। बराबर एयर में अटकता नहीं है। 10 तारीख को सुबह अपना वाउचर अपने खाते में जमा होता है। इसका मतलब पूरा सिस्टम, आपका प्रोडक्ट देने का, आपका सर्विस देने का मार्केटिंग सिस्टम है, सब चीज आपके लिए तैयार है। लेकिन आपका जिम्मेदारी है कि मुझे उसमें कन्वर्ट करना है। वो चने का दाल है, याद रहेगी चने की दाल? वो चने की दाल कहाँ से आई मैं बोलती हूँ। जब हम छोटे थे ना तो हमारी नानी, मतलब मम्मी की मम्मी, वो हाथ पाकती थी और चने का दाल लेके ऐसे रगड़ती थी हाथ तो दुखता था। फिर बोलती थी तुला माहिती है पसंद काय करता है, और बहुत अचरज करते थे। 8-9 साल के बच्चे को आप चने की दाल हाथ से लेके पूछ लो इसका क्या कर सकते। तब याद आया कि आपके हाथ में जो भी है इसका वापस आप कैसे करते, वो इम्पोर्टेंट। और वो हमारी नानी यही सिखाना चाहती है, अच्छे के लिए मत रो, अच्छा बनाने के लिए। तो चने का दाल आपके हाथ में, उसका पकवान क्या बनाना है, आपकी क्या इच्छा है, आपका सपना क्या है, वो बनाना। इंग्लिश पकवान तो हम जानते हैं, उनकी सोर्स तो हम जानते हैं, और कितने सोर्सेस आ रहे हैं वो सिद्धिपेट से जब लोग आ जाएंगे तभी पता चलेगा। ये चने का दाल का हमको अभी पूरनपोली के साथ जिलेबी भी बना लिए, लड्डू बना लिए, सब कुछ बना। क्या हम रेडी है, साक्षीदार बनेंगे या भागीदार बनेंगे? साक्षीदार या भागीदार? भागीदार। कहा कुछ नहीं सुना, तालियां होगी और भागीदार ही बनेंगे, क्योंकि साक्षीदार बनेंगे तो सिर्फ ताली बजा के कोई स्टेज पे आके निकल जाएगा, लेकिन जब भागीदार बनोगे तो खुद को भी बदलोगे और आने वाली पीढ़ी को, पूरे परिवार को भी हम बदलना करेंगे। एक कथा कहना चाहती हूँ, चलेगा? छोटी सी कथा, बड़ी भी चलेगी। कितना बचा? हो जरूर। तो एक नन्ना सा तोता था, आप तोता समझते हो? नन्ना सा तोता था, तो उस तोते को अपना रंग बहुत अच्छा लगता था, हरा भरा, लेकिन उसकी जो चोंच थी वो लाल कलर उसको अच्छा लगता था, लेकिन चोंच का उसका आकार जो था ना उसको पसंद नहीं था। वो तो अपनी माँ को बोलता है कि मेरा रंग तो बहुत सुनहरा है, मेरे चोंच का रंग भी सुनहरा है, लेकिन मुझे चोंच का आकार नहीं अच्छा, मुझे चोंच बदल दी। माँ बहुत होशियार थी, तो माँ बोली ठीक है, अगर तू चाहता है तेरे की मुझे चोंच का आकार बदल के चाहिए तो आप बदल लेंगे। और उन्होंने कहा कि चलो हम दादाजी के पास चले। माँ ने उस नन्हे तोते को दादाजी के पास लेके गई और दादाजी को कहा इसे अपना कलर बहुत अच्छा लगता है, रंग बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा है, चोंच का भी रंग अच्छा लगता है, लेकिन उसको चोंच का आकार बदल के चाहिए, वो चोंच अच्छी नहीं लगती, उसको शर्म आती है कि मैं बहुत इतना शानदार और मेरी चोंच इतनी सी, तो वो सब मजाक गिरती रहा कर देता। दादाजी ने बहुत बरेस पावसाए पाएंगे सर, बहुत ऊपर नीच दिखती रहती है, तो दादाजी बहुत होशियार रहते हैं, वो नन्हे तोते को नजदीक ले लेते, प्यार से चुचकाते और बोलते ठीक है तू बोल तुझे कौन सी चोंच है। तो वो तोता बोलता है हरा रंग है, लाल कलर की चोंच है, तो आकार बहुले की चोंच के लिए। तो बोले ठीक है बहुले की चोंच लगा देंगे। तो फिर बहुले की चोंच लगाए तो खाना क्या पड़ेगा? जीव जंतु, छोटी मछली, सांप, वो पांड सांप रहते हैं, या तो वो कछुओं के बच्चे रहते हैं, सबके वो घर केकड़े रहते हैं, चिंगोरी आप क्या भी बोलते हो, क्या बोलते हो,
हिंदी में कुछ तो बोल रहे हैं, उनको सब बच्चों को और वो सब खाना पड़ेगा। तोता वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, मतलब मैं को ये कुछ खाता नहीं है, मुझे तो ये खाना पसंद नहीं है। तो दादाजी बोले फिर तो बगुले की चोच लेके क्या, कोई और चोच ले लेना। तो फिर तोता बोला ठीक है, दादाजी बोले और कुछ सोच ले कि जो अच्छा आकार वाली चोच मैं लगा देता। वो तोता बोला तो एक काम करो, मुझे पांच की चोच दे, हरा रंग है, लाल कलर की पांच की चोच रहेगी, तुम एकदम हुबाकदार एकदम हैंडसम लगेगा, शानदार लगेगा, लोग देखेंगे तो एकदम पावरफुल लगेगा। ये इसका मन का सोच है। दादाजी बोले ठीक है, हम पांच की चोच लगा देंगे, फिर क्या खाना पड़ेगा? बोले मांस मछली, छोटे छोटे पक्षियों के अंडे, बच्चे। और आपको सबको बताया कि तोते के घर जो है ना वो बाज खदेड़ देता है, ट्रैप कर देता है, पंछियों के घोंसले की वाट लगा देता है। तो उसका डर और जो ये था गुस्सा था तो तोते के मन में तो हार गया, बोला बाज की चोंच नहीं चाहिए। तो पिताजी बोले ठीक है, बगुले की चोंच भी नहीं चाहिए, बाज की चोंच भी नहीं चाहिए, ठीक कुछ सोच लेना। उस तक जो तोता रहता है उसको क्या अच्छा लगता है, खाने में कुछ अच्छा लगता है, पेट अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है। सबसे प्यारा चीज है तोते की, जो उसको बहुत पसंद है। तोते की एक चीज है, कौन बोला, मारना चाहिए। अखरोट ऐसी चीज है, तोते का क्या है, उसको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। दादाजी वो अखरोट तोते के सामने रख देते, वो छोटे नन्हे बच्चे के सामने रखते और फिर पूछते अगर बगुले की चोंच रही तो तू अखरोट खा सकता है, खा सकता है। अगर बाज की चोंच रही तो वो अखरोट खा सकता है, खा सकता है। वो नन्ना तोता जो समझना था वो समझ गया, यू आर स्पेशली डिजाइन फॉर स्पेसिफिक, विशिष्ट कार्य के लिए आपको रचाया गया है। अगर डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम औरतें हैं तो औरत खुद को बनने के लिए, परिवार को बनाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए औरत बनाई गई है। आप जिस चीज में भी हो आपका एक विशिष्ट अस्तित्व है और वो अस्तित्व आप समझने की कोशिश करो। जिस दिन आपको आपका विशिष्टता स्पेशल डिजाइन समझ में आता है आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो समझने के लिए किधर आना पड़ेगा, दादाजी के पास आना पड़ेगा, रिलैक्सिंग के पास आना पड़ेगा, क्योंकि उधर पता चलेगा कि मेरी सोच और एक्चुअली मेरे में क्या वैल्यूएबल है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता चलेगा मेरे में अच्छापन क्या है और इस अच्छापन का मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ, ये प्लेटफॉर्म पे आपको पता चलेगा। अच्छा लगा, कर सकते हैं जो भी डिजाइन हो, आप स्पेशलाइज हो, इसमें और स्पेशलाइज होने के लिए जरूर इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ना जरूरी है, एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। गुरु का महत्व मैं हमेशा कहती हूँ, लाखों के कपड़े पहनो, करोड़ों के गहने डालो, लेकिन गुरु कैसे रहता है, एक सफेद फूल की तरह। मतलब आपका लाखों का कपड़ा, करोड़ों का जेवर सुगंध नहीं देगा, वो सफेद जो गुरु है वही आपको सुगंध देगा। अगर वो सुगंधित है आपका जीवन भी वो सुगंधित कर देगा। इसलिए जहां भी चाहिए वहां गुरु जरूर बनाइए, मेंटोर बनाइए, क्योंकि वो ऐसी चीज है वो खुद रंगेगा नहीं लेकिन आपको जरूर रंग देगा। जैसी संगत